एक बार एक दोस्त आया मेरे पास, मेरा और सच बात है जिनको वहां सुन, और बोले भैया ये वो बढ़िया गोल गोल पीले पीले मोती चूर के लड्डू लेके आया, ये खा लो। गोल गोल पीले पीले मोती चूर के लड्डू। मैं किस बात के लिए है? बोला सुनो, अपने बच्चे का एडमिशन हो गया है IIT की कोचिंग में। IIT में नहीं, IIT की कोचिंग में, कोटा में। मैंने कहा अच्छा, तू बहुत खुश हो रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा सुन, तेरा बच्चा तेरे हाथ से गया जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। बोले क्या बोलते हो? मैंने कहा सच सुन। ऐसा मौका थोड़ा सा मुश्किल होता है जब ये सुनाओ तब। मैंने कहा देख, तेरा बच्चा होशियार है, अब कोटा चला गया, अब वहां 3 साल 4 साल पढ़ेगा, फिर होशियार है ना, हाँ तो उसे एडमिशन हो जाएगा IIT में। अब वो तेरे गांव में तो आके IIT खुलेगा नहीं, वहीं से सीधा चला जाएगा, कभी खड़गपुर, कभी बंबई, कभी बेंगलोर, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली। फिर बहुत होशियार है, वहां पढ़ेगा 5 साल, फिर वो कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तो तेरे गांव में थोड़ी नौकरी मिलेगी, वो नौकरी भी इन जगह मिलेगी, लेकिन वो तो और होशियार है ना। बोले हाँ होशियार तो है। तो मैंने कहा फिर वो जाएगा अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तेरे हाथ से गया कि नहीं? मजा तो अब आएगा कि सुन, 2-4 साल बाद आएगा एक अपने साथ में भूरी बंदरिया गोरी सी मैम लेके, और फिर तुमसे कहेगा, फिर तुमसे कहेगा पापा मैंने शादी कर ली। तुम तो सोच रहे थे कि अपन शादी करेंगे, अपन उसकी घोड़ी पे बैठाएंगे, साफा लगाएंगे, नाचेंगे, तुम्हारी पत्नी सोच रही थी कि मैं उसकी आंखों में काजल लगाऊंगी, तब तुम्हें याद आएंगे ये गोल गोल पीले पीले मोती चूर के। लेकिन रुको, फिर चला जाएगा, फिर 2-4 साल बाद आएगा, फिर उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा, है ना, और तुम कहोगे आजा बेटा आजा आजा, मैं तेरा माथा चूम लूं, तो वो तुम्हारा लड़का है ना, ये कहेगा पापा सॉरी इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। फिर तुम्हें याद आएंगे गोल गोल पीले पीले मोती चूर के लड्डू। अब फिर 2-4 साल बीत जाएंगे, तुम्हारी पत्नी बीमार होगी, अस्पताल में पड़ी होगी, ICU में, तुम कहोगे बेटा तेरी माँ अस्पताल में है, तो वो कहेगा अच्छा पापा अभी है ना ठीक, क्या बेटा मरी तो नहीं है, तो लेट मी चेक, मुझे अभी छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ। फिर तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, फिर तुम कहोगे बेटा तेरी माँ नहीं रही, अच्छा पापा अभी की फ्लाइट तो थोड़ी महंगी आ रही है, मैं कल की फ्लाइट लेता हूँ। वो पहुंचेगा तीये की बैठक के समय और कहेगा पापा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, माँ तो चली गई, और फिर अगली फ्लाइट से चला जाएगा। फिर तुम्हें याद आएंगे गोल गोल पीले पीले मोती चूर के, फिर तुम अपनी पत्नी की फोटो लगाओगे एक कोने में, उस पे माला पड़ी होगी, बगल में तुम्हारे लड़के की फोटो होगी, बहू की फोटो होगी, छोटे से पोते की फोटो होगी, और तुम पजामा और बनियान पहन के अकेले ड्राइंग रूम में बैठे रहोगे, और तुम्हें सिर्फ एक चीज याद आएगी गोल गोल पीले पीले। सौभाग्य की बात ऐसी है कि अपन शायद अपने माँ बाप के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसे नहीं हैं, और हम जो कर रहे हैं उससे बड़ा कोई गौरव का काम।